अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? अच्छा जी, आज की वीडियो है DIY हेयर सीरम के बारे में कि आप कैसे सिर्फ चंद चीज़ों के इस्तेमाल से घर में ही सस्ता सा सीरम बना सकते हैं जो आपके बालों की कॉमन प्रॉब्लम्स को दूर करेगा, जैसे डल हेयर, ड्राई, डैमेज और फ्रिजी हेयर को सिल्की और स्मूथ बनाएगा। इसमें हमारा मेन इंग्रेडिएंट एलोवेरा जेल होगा जो हम एज अ बेस के तौर पर यूज़ करेंगे। आप चाहें तो आप फ्रेश एलोवेरा का लीफ भी ले सकते हैं, लेकिन उससे ये होगा कि ये आप 2 या 3 दिन के अंदर ही यूज़ कर सकेंगे, ज़्यादा देर के लिए वो फिर इस्तेमाल नहीं होता। एलोवेरा मैंने लिया है 6 टेबलस्पून। अब इसमें हमने ग्लिसरीन ऐड करनी है। ग्लिसरीन 2 से 3 कतरे ही ऐड करने हैं, बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करनी। जो हमारे बाल दो मुए हो जाते हैं, ग्लिसरीन उसको रिपेयर करती है। उसके बाद हमने यूज़ करना है कोकोनट ऑयल यानी नारियल का तेल, ये भी हमने कोई 1/2 टीस्पून ऐड करना है। उसके बाद लास्ट में हम ऐड करेंगे टी ट्री ऑयल, इसके भी हमने 3 to 4 ड्रॉप्स ऐड करने हैं। इसकी आप कोई भी इसके अलावा जो आपको ऑयल अच्छा लगता है वो आप यूज़ कर सकते हैं। मैं ये टी ट्री ऑयल यूज़ करूँगी क्योंकि इसकी स्मेल बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। इन चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसको आप 1 महीने के लिए भी स्टोर करके रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। इसको लगाने का तरीका ये है कि जब आपने अपने बाल वॉश करने हैं तो आपने साथ ही इसको अप्लाई कर लेना है बालों में, जड़ों में ना लगाएं, आपने सिर्फ़ इसको अपनी लेंथ में अप्लाई करना है। इससे आपके बाल शाइनी फील होंगे और बिल्कुल स्टिकीनेस बिल्कुल भी फील नहीं होगी आपके बालों में। आप इसको किसी भी कंटेनर में डाल के रख सकते हैं। मैं ये बॉटल में डालूंगी इसको ताकि ये इजी टू यूज़ हो जाए। आप इसे ज़रूर ट्राई करें और प्लीज़ मुझे कमेंट में आके बताएं। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।